हेलो गाइस, मैं हरदेव कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? और बाइक वगैरह अपनी रेडी हो चुकी है जाने के लिए मार्केट, और अभी जा रहे हैं नहा धो के, रेडी हैं फुल, मार्केट के लिए निकल रहे हैं। ऑफिस में जाएंगे आज, कल पानी की बारी थी तो 3 बजे वापस आ गए थे। आज हो सकता है एक पार्सल आने वाला था, वो भी आ गया होगा, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग आज अगर आ गया तो कर देंगे, और फिर आगे की अपडेट आपको मिलती है मार्केट में जाके, और वहीं पे देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, पार्सल आता है या फिर नहीं आता है। पहली बात तो आज आ जाना चाहिए क्योंकि डेट कल की दी थी, तो जो पार्सल मंगाते हैं वो एक दिन पहले आ जाता है, ये देखा हुआ है। तो हो सकता है कल की डेट दी हुई है तो हो सकता है आज आ गया हो, तो आज देखेंगे रिसीव कर लेंगे। कल भी मैं गया था फ्लिपकार्ट के ऑफिस में, और जो हमने चिप मंगवाई थी अनलॉकर चिप जो मैंने मंगवाई थी वो रिफंड कर दी थी वापस, तो रिप्लेसमेंट के लिए गई थी, तो वो दोबारा आ गई थी वापस, और उसकी भी टेस्टिंग करेंगे कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, और देखते हैं आज वो लेके आते हैं पार्सल अगर आ गया होगा तो। और वहाँ की अपडेट आपको वहीं पे जाके मिलती है, फ्लिपकार्ट के ऑफिस में चलते हैं और पता करते हैं कि ऑर्डर अपना आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। भाई साहब अभी आए हुए थे यहाँ पे नगर पालिका में, और काफ़ी टाइम हो गया है, अभी अभी 5-8 हो चुके हैं, तो अभी साइट बंद थी तो काम थोड़ा सा कम हुआ तो मैं बाहर आ गया। मैंने सोचा वो लोग वगैरह बना लेते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में छुट्टी करने के टाइम में। तो भाई साहब देख लो काम चल रहा है, और अभी लगे हुए काम करने के लिए, और अपने भी काम बंद कर रखे हैं तो भैया लगे पड़े हैं काम करने के लिए, और टाइम भी भाई साहब 4:30 हो गई है। तो भाई साहब रात हो गई है बहुत ज़्यादा, और निकल रहे हैं घर की तरफ, तो अभी 6:30 हो गए हैं और घर की तरफ निकल रहे हैं। अभी आपसे बात करते हैं घर पे जाने के बाद में, और आगे की अपडेट वहीं पे देते हैं। आज जो पार्सल मंगाया था वो तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि अभी आया हुआ है नहीं। ऑफिस अगर बंद हो गया होगा फ्लिपकार्ट वालों का तो फिर तो मिलेगा नहीं, अगर नहीं हुआ होगा फिर हम ले लेंगे। अभी जा रहा हूँ मैं वहीं पे ऑफिस में, अगर आ गया होगा तो वहाँ के अपडेट आपको देते हैं, वरना आप सीधे घर पे मिलेंगे। तो वैसे फ्लिपकार्ट के ऑफिस पे आ गए थे, और ये जो पार्सल ले लिया है यहाँ से रिसीव हो गया है, और वहीं पे घर पे आपको जाकर दिखाते हैं क्या है इसमें। ये खड़ी अपनी बाइक, तो भाई आ चुके हैं घर पे, और जो है पार्सल वगैरह भी ले आए थे वहाँ से, जो वीडियो में आपको क्लिप डाल दिया पहले ही, इससे तो दिखाते हैं आपको उसके अंदर क्या है। और एक और चीज़ लेके आया हूँ आज, तो वो आपको जो है मैं कल सुबह वाले वीडियो में दिखाऊंगा। कल सुबह जो है वीडियो आएगी स्पेशल, तो उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि क्या आया था। आज जो है पार्सल फ्लिपकार्ट की तरफ से वो तो आपको दिखा दूंगा कि क्या आया उसमें, और जो हम लेके आए हैं खाजूवाला मार्केट से तो वो आपको जो है मैं सुबह दिखाऊंगा उसमें क्या था क्या नहीं, तो सुबह वाले व्लॉग में भी सस्पेंस रहने वाला है। तो दिखाते हैं आपको कि कौन सा आया हुआ है वो पार्सल, बने रहिए वीडियो के साथ में। तो भाई ये वो पार्सल, तो ये आया था, इसके थोड़ा सा खोल के तो हमने देख लिया था वहाँ पे पार्सल सही आया या नहीं, तो पन्नी से बाहर नहीं निकाला है, वैसे ही पन्नी के अंदर पड़ा हुआ देख लो, अब ये भी पन्नी के अंदर पड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकाला है इसको, वैसे ही देख लिया था कि पार्सल सही आया या नहीं। और ये है भाई मोबाइल माउंट, और देख लो भाई इसको जो हम निकाल रहे हैं बाहर, और इसको बाहर निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मोबाइल माउंट है ये देख लो, और ये जो है मोबाइल माउंट करने वाला ये सिस्टम, और ये जो है हेलमेट पे लगने वाला है, और जो स्क्रीन वगैरह है वो सब कुछ दिया हुआ है, तो इसकी सेटिंग जो है हम सुबह ही करेंगे, तो आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ उसी से। तो भाई साहब ये बॉक्स रखते हैं साइड में, और ये जो है ये वो मोबाइल माउंट, और ये अटैचमेंट है इसके साथ में, और ये जो है
ये लगेगा हेलमेट में सीधा, क्वालिटी तो ठीक ठाक है इसकी। और ये जो स्ट्रैप हैं उन दो स्ट्रैप के साथ में जो है कनेक्ट हो जाएंगे इनके साथ में। और ये जो है स्क्रू है जो ऐसे यहाँ से ऐसे टाइट हो जाएगा, इधर से ऐसे टाइट होगा उसको अटैच करने के बाद में। और ये जो है अपने फ़ोन को यही होल्ड करेगा ऐसे करके, और ये खुल जाएगा यहाँ से ऐसे ऐसे खुल जाएगा ये। और जितना अपने को चाहिए और उतना खोल के मोबाइल लगाने के बाद में फिर से ऐसे टाइट कर देंगे इसको, ताकि ये प्रॉपर जो है ये टाइट हो जाए। तो इसको जो है पूरा जो है हम अटैच करने के बाद में मिलते हैं आपसे और बताते हैं आपको कि कैसे अटैच होगा, और मोबाइल लगा के आपको दिखाएंगे कि कैसे ये मोबाइल लगेगा इसके अंदर। तो अटैच कर लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। तो भाई ये जो है हो चुका है सेट, और देख लो ऐसे होगा। और ये स्ट्रैप वगैरह, और यहाँ पे जो है मोबाइल आपको लगा के दिखा देते हैं कि कैसे मोबाइल लगेगा। ऐसे ये मोबाइल लगा, और वॉल्यूम बटन्स वगैरह देख लेने हमें कि प्रेस तो नहीं हो रहे। और ऐसे इसको टाइट कर देना है ध्यान से, ये देखो ऐसे हो गया। और ऐसे जो है ये हेलमेट पे लग जाएगा, और ये देख लो हिल भी नहीं रहा, ये एकदम फिक्स है। और ये जो साइड है कैमरे वाली साइड, ये वाली वो उधर होगी सामने वाली साइड में, और स्क्रीन जो है वो इधर होगी हेलमेट वाली साइड में। तो ऐसे जो है ये फिक्स हो जाएगा, जैसे मान लो ये हेलमेट है तो इधर ऐसे फिट हो जाएगा इस पर, और ऐसे फिट होता है ये देख लो। और इसकी जो है प्रॉपर जो है सेटअप की वीडियो है वो कल बनाएंगे हम, कल सुबह बना लेंगे। इसको जो है हेलमेट पे अपने पे माउंट करेंगे, और जो है उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि कैसे माउंट होता है और कैसे सेटअप है और कितना हमें इसमें खर्चा आया हुआ है, सब कुछ आपको बता देंगे उसमें। और हो सकता है वो कल इससे मोटो व्लॉग भी बनाएं हम बाइक पे सीधा ही, तो वो भी चेक करके आपको दिखाएंगे कि कैसी क्वालिटी आ रही है और क्या इसकी समस्याएँ आती है इसमें, या फिर कोई समस्या नहीं आती है, तो वो दिखा देंगे आपको कल वाली वीडियो में। और तो भाई आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को, और जो है प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।